बात बिहार चुनावों की छिड़ी है तो मैं एक किस्सा, एक कहानी, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो वाकई आज के जमाने में आपको सिर्फ एक किस्सा ही लगेगा। यकीन करना मुश्किल होगा कि कोई मुख्यमंत्री, और वो भी एक बार नहीं दो दो बार, दूसरे उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रहे एक ऐसे नेता की एक कहानी है जो रिक्शा पर चलते थे। जब उनका निधन हुआ तो पटना तो छोड़िए, अपने पैतृक गाँव में उनके पास एक मकान नहीं था जो विरासत में वो किसी को देते। ऐसी सादगी, ऐसी ईमानदारी का नाम थे कर्पूरी ठाकुर। आज जब आप देखते हैं कि करोड़ों रुपए चुनाव में बहाए जाते हैं, प्रचार में खर्च होता है, पार्टी का फंड होता है, इन सब से बिल्कुल दूर अलग अंदाज में वो अपनी पॉलिटिक्स करते थे, और उनका गुणगान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी ईमानदारी और सादगी की ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि ये वाकई आज के ज़माने के लिए किस्सा कहानी ही है। तो आपको बताती हूँ, मुख्यमंत्री दो दो बार बने। एक बार उनका चयन हुआ एक ऐसे प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए जिसे ऑस्ट्रिया जाना था। अब उनके पास कोट नहीं, दोस्त से कोट मांगा, दोस्त ने जो कोट दिया उसमें जरा फटा हुआ था। अब ऑस्ट्रिया गए और उसी के साथ वो शामिल हुए। वहां पर कहा जाता है कि यूगोस्लाविया के जो शासक थे मार्शल टीटो, उन्होंने देखा वो फटा हुआ कोट और फिर उन्हें एक नया कोट गिफ्ट किया। ऐसी सादगी, ऐसा व्यक्तित्व। एक और किस्सा है उनके बारे में कि एक बार उनके पिता का, चूंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे, एक बार पिता का अपमान किया वहां पर जो कुछ दबंग सामंती लोग थे, उन्होंने उनके पिता का अपमान किया तो पूरी खबर फैली कि डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, उनके घर पे उनके पिता का अपमान कर दिया है, डीएम साहब आ रहे हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर ने खुद जाके रोका था और कहा कि अगर ये जो पिछड़े लोग हैं इनका अपमान तो रोज होता है, सिर्फ मेरे पिता के खिलाफ अपमान होने पर कार्रवाई क्यों? अगर पुलिस वाकई किसी का अपमान ना होने दे, सख्त कार्रवाई करे, तब बात हो। ऐसी सोच, ऐसी ईमानदारी, ऐसा व्यक्तित्व जिसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को अक्रॉस पार्टी जबरदस्त रेवरेंस है। देखिए, जेपी उनके गुरु थे, राम मनोहर लोहिया उनके गुरु थे, ऐसे लोग जो ये मानते थे गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में एक अहम व्यक्तित्व, ऐसे तमाम लोग जो ये मानते थे कि भ्रष्टाचार से आगे इस देश को ले जाना है, अगर कोई दो दो बार मुख्यमंत्री हो और उसके पास अपना कोई मकान ना हो जो वो विरासत में आने वाली पीढ़ियों को दे, इसी से आप उनकी ईमानदारी का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर बिहार की राजनीति की बात हो रही है तो सोचिए आज कैसे करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं चुनाव प्रचार से लेकर, किस तरह से पार्टी में आरोप लगता है कि टिकट खरीदने के लिए आपको इतनी इतनी रकम देनी पड़ती है। तो एक कर्पूरी ठाकुर का भी दौर था, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि आज किस्सा ही सुनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को ये किस्सा ही लगेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्तित्व था, ऐसी भी सोच रखने वाला एक आदमी था जो दो दो बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतनी सादगी से अपनी जिंदगी को जी रहा था कि हर कोई उनकी मिसाल आज भी राजनीति में देता है। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर और बिहार की राजनीति में एक अमिट छाप उन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी, अपनी साफ गोई, अपनी विचारधारा से छोड़ी है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने 27% आरक्षण पिछड़ों को दे दिया था, ये उनकी सोच थी, क्योंकि उन्होंने उस गरीबी को, उस उन परेशानियों को, उस भेदभाव को इतने करीब से देखा था कि उनके अंदर वो जज्बा था। मंडल कमीशन तो बाद में, लेकिन उससे पहले ही उनका ये बदलाव करना बताता है कि उन्होंने सोचा था कि कैसे सबको लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन ये अलग बात है कि चाहे ये तमाम कदम नाकाफी ही साबित हुए हैं, आज भी कई बार लगता है कि क्या वाकई जिस बहारे की बात हो रही है वो हो पाया है, नहीं हो पाया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसी मिसाल है जिनको कम से कम हम और आप किस्सा गोई के ही जरिए, बातों के ही जरिए याद जरूर करें, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदारी वाली राजनीति की भी पहचान, उसका चेहरा बने कर्पूरी ठाकुर को कोई बिहार की राजनीति में भुला न सके।